हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग जा रहे हैं यूनिवर्सल स्टूडियोज, तो वहाँ पे जाने के लिए काफी सारे वेज है, मतलब टैक्सी से जा सकते हो, बस से जा सकते हो और जो केबल कार है उससे भी जा सकते हो। हम लोग जा रहे हैं MRT से, तो हम लोग के यहाँ से मतलब लैवेंडर जो स्टॉप है MRT का, वहाँ से यूनिवर्सल स्टूडियोज जाने के लिए 3 ट्रेन चेंज कर रहे हैं हम लोग को, 3 MRTs। सिर्फ हम लोग का आज जो है कार्ड का वैलिडिटी खत्म हो गया है, तो आज हम लोग कार्ड को रिचार्ज करेंगे। और हम लोगों ने यहाँ से आज ट्राई किया है कि अच्छा ब्रेकफास्ट करके निकले, क्योंकि यूनिवर्सल स्टूडियो में खाना बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। Universal Studio in the mall level 3. But what if you want to take cable car? Is cable it closer? Cable car there. I think monorail better. Monorail is best. Up to you. Cable car hai, monorail here. अभी यहाँ पे harbour front से अपने पास दो option हैं। एक तो अपन monorail ले सकते हैं Sentosa के लिए, और एक cable car. So हम लोगों ने information center में भी पूछा, केबल कार या फिर ये मोनोरेल। मोनोरेल एक्चुअली चीपर है, या फिर वो कार्ड में कन्वीनियंट भी है, बट हम लोग जा रहे हैं केबल कार से, क्योंकि हम लोग को एक्सपीरियंस भी करना है केबल कार। ये 15-20 मिनट्स का राइड होता है, और वहाँ पे जाके हम लोग को समझेगा कि क्या टिकट कॉस्ट है इसका। ये जो इजी लिंक कार्ड होता है उसका रिचार्ज करना बहुत ज़्यादा सिंपल है, और दो ऑप्शन मिलते हैं आपको रिचार्ज करने के लिए। या तो आप कैश में कर सकते हो, या फिर आप कार्ड से। हमने कैश में किया, और कैश में करने के लिए आपको सिर्फ कार्ड वहाँ पर रखना है जैसे आपको इस वीडियो में दिख रहा है, और फिर उसके बाद आपको अमाउंट सिलेक्ट करना है, और अमाउंट सिलेक्ट करने के बाद उसका जो नोट है वो अमाउंट का, वो आपको अंदर डालना है मशीन में, और फिर आपका रिचार्ज हो जाएगा। गाइस, हम लोगों ने केबल कार लिया, तो केबल कार अगर आप सिर्फ यूनिवर्सल स्टूडियोज आ रहे हो ना, तो उसके लिए सही नहीं है। हाँ, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा चेंजेस करने पड़ते हैं। दो चेंजेस करके सिर्फ केबल कार के, उसके बाद में वापस से आपको मोनोरेल लेना है, फिर वापस यूनिवर्सल स्टूडियो के लिए थोड़ा वॉक करना है, और इन बिटवीन भी आपको जो केबल कार के 5-5 मिनट्स का वॉक है, वो चेंज करने के लिए भी वॉक करना है। सो यूनिवर्सल स्टूडियो के लिए केबल कार डजंट मेक सेंस। हाँ, अगर आप सेंटोसा आइलैंड एक्सप्लोर कर रहे हो तो सॉर्टेड है, तो आप ले सकते हो, क्योंकि ऐसा काफ़ी मज़ा है। और एक चीज़ जो मैंने नोटिस की, जो केबल कार है उसमें कोई एसी वगैरह नहीं है, तो अगर आपको वैसे भी यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है तो गर्मी फील होता है, बट वही मोनोरेल में पूरा टाइम एसी था, तो इनफैक्ट एसी वाला ट्रेन है, तो आपको ज़्यादा सॉर्टेड है यूनिवर्सल स्टूडियोज आने के लिए। केबल कार का $35 पर पर्सन इज एक्सपेंसिव। मोनोरेल से अगर आप आ रहे हो तो आपको रिसोर्ट वर्ल्ड स्टेशन लेना है यूनिवर्सल स्टूडियोज जाने के लिए। तो अभी हम लोग यहाँ से चल के जाएंगे यूनिवर्सल स्टूडियोज के लिए, वहाँ से टिकट कलेक्ट करेंगे और फिर अंदर जाएंगे। हम लोगों ने यहाँ पे टिकट ऑनलाइन बुक किया था सेम गेट योर गाइड से, तो यहाँ पे हम लोग को टिकट नहीं मिलता, मतलब ऑनलाइन टिकट नहीं मिलता, यहाँ पे आना है गेस्ट सर्विसेज अगर आप गेट योर गाइड से बुक करते हो तो, और यहाँ पर से आपको टिकट कलेक्ट करना है। सो ये वाला जो QR कोड है, इससे आप मैप डाउनलोड कर सकते हो यूनिवर्सल स्टूडियो का। सो गाइज, हम लोगों ने टिकट यहाँ से बाय कर लिया है, और यहाँ पे हम लोग को एंटर करना है, और ये है वो फेमस ग्लोब जहाँ पे सारे लोग फोटोज़ क्लिक करते हैं। अभी भी काफ़ी सारे लोग फोटोज़ क्लिक कर रहे थे, हम लोगों ने भी किया, और अभी हम लोग अंदर एंटर कर रहे हैं। हम लोगों ने एंटर तो कर डाला, बट यहाँ पे माइक अलाउड नहीं है, उसके लिए ऑडियो थोड़ा ख़राब हो सकता है। और गाइज, इसका भी टिकट हम लोगों ने गेट योर गाइड से ही बाय किया है, इसका कॉस्टिंग है 5,250। इसका जो लिंक है बाय करने का, वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, या फिर आप ये QR कोड भी स्कैन कर सकते हो। और ये ऐप यूज़ करने का ना आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, आपको 24/7 कस्टमर केयर मिलता है, उसके बाद में अगर आपका प्लान चेंज होता है तो आप 24 आवर्स पहले ये टिकट कैंसिल कर सकते हो, और आपको फुल रिफंड मिलता है। और उसी के साथ ये सिर्फ सिंगापुर में नहीं, बट मोर देन 3,600 डेस्टिनेशंस में है, जहाँ पर आप 60,000 से भी ज़्यादा एक्सपीरियंसेस के टिकट्स बुक कर सकते हो। प्लस ये आपको लोकल एक्सपीरियंसेस भी प्रोवाइड करते हैं गाइड के साथ, और इनके जो गाइड है वो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल और एक्सपीरियंस्ड होते हैं। सो आप कोई भी कंट्री ट्रैवल कर रहे हो, तो आप अट्रैक्शन के टिकट्स गेट योर गाइड से बुक करना मत भूलिएगा।
सो एंटर करते ही पहले तो सारे स्टोर्स है अराउंड जहाँ से आप गिफ्ट खरीद सकते हो और बहुत रेस्टोरेंट्स भी है, और उसके बाद हमने कुंफू पांडा के साथ अभी पिक्चर क्लिक किया। अभी हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, हमने यहाँ से राइट टर्न लिया है, तो लेट्स सी पहले क्या आता है। यहाँ से हॉलीवुड वाला सेक्शन आता है, आपको ये स्टैचू दिखेगा, बट आज के दिन वो उन्होंने क्लोज रखा है। तो बहुत ज़्यादा भूख लगी थी तो हम लोगों ने वेज पिज़्ज़ा, चिकन पिज़्ज़ा और डाइट कोक लिया है। इसका हम लोग का टोटल हुआ है $25। यहाँ पे हमने लंच किया, इसका नाम है एम्पायर स्टेट डिपार्टमेंट स्टोर। पहला स्टॉप हमारा ट्रांसफॉर्मर। They were defeated on our world and we will defeat them here. उधर पहले ही उन्होंने वार्निंग दिया है कि मोशन सिकनेस हो सकता है, और मुझे मोशन सिकनेस का इश्यू है। ट्रांसफॉर्मर वाला राइड, ओ माय गॉड, इतना रियल लग रहा था वो। बहुत सही है, मतलब उसमें आपको ड्रॉप फील होता है और जो एक्शन है वो पूरा फील होता है। मैं ज़्यादा बताऊंगा नहीं, बट अगर आप यहाँ पे आ रहे हो बच्चों के साथ भी लेके जा सकते हो, तो मस्त है, एंजॉय करोगे। एकदम मस्त है, मतलब बिल्कुल भी मिस मत करना ट्रांसफॉर्मर वाला राइड। सो ये जो पीछे राइड दिख रहा है, ये सबसे बड़ा राइड है यूनिवर्सल स्टूडियो का, और इसका नाम है गैलेक्टिका। गैलेक्टिका ही है ना कौन ऐसा, मतलब खुद ही बैठ के खुद ही की वाट लगा लेगा, वो सब ठीक है, एड्रेनलिन रश वगैरह ये देख। सो ये साइड पे, ये करंटली हम लोग इजिप्ट में है, फिर यहाँ पे लॉस्ट वर्ल्ड है, वाटर वर्ल्ड है, फिर फार फार अवे मैडागास्कर, साइंस, साइफाई सिटी, न्यूयॉर्क, हॉलीवुड, ये सारी चीजें। ये रिवेंज ऑफ द मम्मी वाला राइड जो है वो यहाँ का सबसे फास्टेस्ट राइड है, और अभी हम जा रहे हैं जुरासिक वर्ल्ड। सो गाइस, यहाँ पे जितने भी रोलर कोस्टर वाले राइड्स हैं ना, वहाँ पे वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा है, और सेकेंडली आपको जो भी अपने बैग्स है या फिर कैमरा है वो सारा आपको लॉकर में रख के फिर जाना पड़ता है, तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा वेटिंग टाइम है। अगर आप सैटरडे संडे आने वाले हो, और अगर बहुत ज़्यादा टाइम, मतलब आप सारे राइड्स करने वाले हो, तो आप वो एक्सप्रेस पास ले लो, वो ज़्यादा सही रहेगा। ऑलमोस्ट 10-15 सेकंड का राइड रहेगा, बट वो जो उल्टे बैठे तो टर्न लेते टाइम पे जो सरप्राइज मिला ना, मस्त था, बड़ा अच्छा है, फन राइड है। सो ये जुरासिक पार्क का गिफ्ट स्टोर है। टी शर्ट अच्छे लग रहे हैं यहाँ पे, कितने? $7 आप एक्सप्रेस पास ले लो अगर आपको सब राइड करने दो, और एक्सप्रेस पास में भी ना दो कॉस्टिंग है, एक है $60 वाला जिसके अंदर आपको सब राइड्स एक एक बार करने को मिलते हैं एक्सप्रेस फॉर्मेट में, और अगर आप $90 वाला लेते हो तो आप मल्टीपल टाइम्स कर सकते हो, अनलिमिटेड है, मल्टीपल टाइम्स कर सकते हो। टिकट लेने के बाद में आप यहाँ पे आने के बाद में भी एक्सप्रेस पास एड ऑन कर सकते हो। ये कुछ फेरी टेल वाला चीज है, फार फार अवे। ये कप $26। कैसा है? मस्त है, बेरी बेरी, मैंने अमेरिकानो पिया है, इसके अंदर बेरी बेरी खाते टाइम पे एकदम मीठा मीठा लगे।
ये कैसल मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ वो श्रेक का ही है ना, मूवी में ऐसा ही कैसल है। मेरे लिए बनाओ ना ऐसा कैसल। ये तेरा ही है। ये लास्ट अट्रैक्शन है यूनिवर्सल स्टूडियो का, वहाँ पे 4D शो है श्रेक का, वो हम लोग देखना है। 15 मिनट्स का ही शो है। देख लिया यूनिवर्सल स्टूडियो, 6 बज चुका है अभी, 6 भी नहीं एक्चुअली 6:30 बज चुका है। लास्ट के 15 मिनट्स में हम लोगों ने 2 राइड्स किए फटाफट। हाँ क्योंकि बिल्कुल भी क्यू नहीं था और उन्होंने भी भेज दिया फटाफट हमें। ये एक चीज उन्होंने अच्छी की है कि यहाँ पे आप पानी वापस भर सकते हो, तो अगर आपके पास बोतल रहेगी और वो खाली हो गई तो यहाँ से भर लो आराम से। क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है वाटर, 300 ml आपको कुछ $4 में मिलता है, तो ये अच्छा कि उन्होंने टैप वाटर टैप सब जगह पे रखे हैं। और इनफैक्ट राइड्स में जब भी आप क्यू में भी रहोगे ना, तो उसके बीच में भी उन्होंने कुछ टैप्स रखे, तो वहाँ पे भी आप भर सकते हो अपना बॉटल या फिर पानी पी सकते हो सीधा वहाँ से। तो गाइस हम लोग को निकलते तो 6:45 हो ही गया है, इसका जो क्लोजिंग टाइम है ये 6 PM है। सो अगर आपको कुछ गुडीज बाय करनी है या फिर कुछ टॉयज बाय करने हैं ना, गिफ्ट बाय करने, तो 6 बजे से पहले बाय कर दो, क्योंकि सारे शॉप्स 6:15 तक बंद कर डालते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा और हेल्पफुल भी लगा रहेगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हम लोग को पूछ सकते हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बॉर्डर्स।